दोस्तों आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको शिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ कि अगर आप मेरी जानकारी के अनुसार शिवरात्रि का पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल को। इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके साथ इस बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाए आपके पास सबसे पहले। दोस्तों वीडियो चलते समय आप किसी भी समय वीडियो को बंद कर सकते हैं। वीडियो बंद करने से पहले लाइक या फिर डिसलाइक में से कोई भी एक बटन प्रेस करके फिर बंद कीजिएगा। दोस्तों महाशिवरात्रि जो है ये फागुन महीने की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि हर महीने चतुर्दशी तिथि को आती है। इस साल शिवरात्रि 13 फरवरी रात भर रहेगा, 14 फरवरी दिन भर रहेगा और 14 फरवरी मध्य रात्रि तक शिवरात्रि का समय है। फिर भी मैं आपको परफेक्ट जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस साल 13 फरवरी 2018 के रात बज के 10:34 पे चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और ये तिथि 14 फरवरी मध्य रात्रि 12:46 तक रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि कैसे पालन करना है, शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाने से आपका भाग्य चमकेगा, इसके ऊपर मैं आपको ज्यादा कुछ बता के आपको भ्रमित नहीं करूंगा। लेकिन जब आप शिवलिंग के ऊपर कुछ चढ़ा रहे हैं तो सबसे जो बेस्ट है, जो बेस्ट चीज है वो लेके जाइएगा, और साल में एक बार जो सर्वोत्तम चीजें हैं वो आप अपने अनुसार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों मैं पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था कि शिवलिंग पे हम लोग दूध दही शहद ये सब क्यों लगाते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, शिवलिंग पे हम लोग दूध दही शहद इसलिए लगाते हैं ताकि शिवलिंग जो ये एक पत्थर है, ये पत्थर में नमी बरकरार रहे, जो मॉइस्चर है ये बरकरार रहे। तो हम जिस चीज की पूजा करते हैं क्या हम कभी चाहेंगे कि वो चीज क्रैक हो जाए। जैसे हम लोग अपनी जो त्वचा है, त्वचा की सौंदर्यता को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्रीम यूज करते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर तो हम लोग क्रीम नहीं लगा सकते। तो शिवलिंग जो है इसकी बनावट को बरकरार रखने के लिए ये जो पत्थर या फिर जो क्रिस्टल है इसमें जो मॉइस्चर है इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग साल में एक बार शिवरात्रि के समय शिव के ऊपर दूध अर्पण करते हैं, दही देते हैं, शहद देते हैं, आदि पंचामृत से शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन इस साल से मेरे हिसाब से अगर प्रक्रिया थोड़ी हटके हो तो बात ही कुछ और होगी। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका जो किस्मत है वो जरूर चमकेगी, ये मेरी गारंटी है। शिवरात्रि के समय आप जिस ही मंदिर पे जा रहे हैं उस मंदिर के आसपास बहुत सारे भिखारी बैठे हुए होते हैं। वो भिखारी बहुत दूर दूर से उस दिन अच्छे भीख की प्रतीक्षा करके वो लोग आते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप अगर एक कटोरी दूध लेके जा रहे हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए तो उसमें से एक चौथाई दूध आप शिवलिंग पे चढ़ाए, और बाकी का जो दूध है कृपया करके मैं अनुरोध कर रहा हूँ वो किसी गरीब को दान दे। अगर आप किसी गरीब को दूध दान में देंगे या फिर कोई अच्छी सामग्री या फिर आपके सामर्थ्य अनुसार अगर आप कुछ दान में देते हैं तो वो भिखारी आपको इतना आशीर्वाद करेगा कि आपकी जो भाग्य है ये ऑटोमेटिकली चमकेगी। विश्वास नहीं हो रहा है, करके देखिए। और भगवान से वो ये प्रार्थना करेंगे कि जो व्यक्ति मुझे ये सामग्री दान में दिया भगवान उसको बरकत दे ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो भिखारी फिर से जाए उस इंसान के साथ फिर से उसकी मुलाकात हो। तो दोस्तों अगर आप इस ऐसे करके आपके सामर्थ्य अनुसार 5-6 भिखारियों का भी अगर आप सेवा करते हैं तो वो भिखारी साल भर तक आपके लिए प्रे करेगा, आपके भलाई के बारे में सोचेगा। अगर कोई आपके भलाई के बारे में सोच रहा है, कोई आपको अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको भेज रहा है तो उस क्षेत्र में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको सक्षम होने से रोक सके। दोस्तों भगवान शिव सिर्फ शिवलिंग में नहीं होते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो भिखारी हैं, सबके अंदर एक शिव जी का वास है। तो अगर आप
शिवरात्रि के दिन शिव जी का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए और शिवलिंग पे पानी चढ़ाने के बाद अगर आप किसी गरीब को दान करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलने वाली है। अगर विश्वास नहीं होता है करके देखिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी रोचक एवं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।